हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शेयर के बारे में जानते हैं। कंपनी मुख्य रूप से अरंडी के तेल और उसके डेरिवेटिव जैसे ओलेओ रसायन के विनिर्माण और व्यापार में लगी हुई है। समूह अरंडी तेल और अरंडी तेल आधारित व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भारत में अग्रणी खिला रही है। समूह के पास अरंडी उद्योग में 5 दशकों से अधिक का अनुभव है। तो मुख्य रूप से ये अरंडी के तेल का व्यापार करता है, ठीक, और निर्माण भी करता है। आगे चलते हैं इसके मुख्य डाटा पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 593 करोड़ का, करेंट प्राइस 198 रुपया, बुक वैल्यू 169 रुपया, बुक वैल्यू से ऊपर में ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी 14.7, आरओसी 13.2%, आरओई 10.1%, बहुत अच्छा है। आरओई और आरओसी हाई और लो 52 बिक्का, तो 241 रुपया हाई है और 141 रुपया लो है। डिविडेंड यील्ड 2.53% का, तो डिविडेंड भी पे कर रही है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 14.7% है रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का, सॉरी आरओई अगर देखते हैं तो 14.7% है, और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 25.7%। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का देखते हैं तो माइनस में है 0.86%। रिटर्न ओवर 1 ईयर का 1.91%। आरओई 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 10.7%। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स माइनस में है 1.57%। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का अगर देखते हैं तो 1.69% का है। प्रॉफिट बार 3 ईयर्स का देखते हैं तो 52.3% है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 3.39% है। रिटर्न ओवर 6 मंथ का 18% है। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का माइनस में 9.29% है। पीजी रेशियो माइनस 9.34%, और करेंट रेशियो 2.63। इंटरप्राइज वैल्यू 668 करोड़ का है। प्राइस टू सेल्स 0.25 है। आपको दिख रहा होगा 1 ईयर का चार्ट तो इस तरीके से है। हमें तो ये 190 बेस्ट सपोर्टिंग प्राइस होगा, और जिस तरीके से इसका इनकम है उस तरीके से तो इसका उतना डाउन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कुछ समय कंसोलिडेट कर सकता है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ये 220 के लेवल को पार कर सकता है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक अनुसार, मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह नहीं है। प्रोज देखते हैं तो इसमें 4 है और कौन 2 ही हैं। प्रोज कंपनी है रिड्यूस डेप्ट को कम कर रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.17 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से 1.17 टाइम्स ऊपर में ट्रेड कर रही है। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 25 to 19.4 डेज, यानी कि 25 दिन से 19.4 दिन पर आ गया, बहुत अच्छा बात है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 57.8 डेज टू 45.5 डेज, यानी कि 57.8 दिन से 45.5 दिन हो गया, ये भी बहुत अच्छा बात है वर्किंग कैपिटल। और कौन सा है, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ जो है बहुत 5 ईयर का बहुत कम है, 1.69% है। और कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ RS 440 करोड़ का है, ये भी बहुत बड़ा बैड होता है किसी भी कंपनी के लिए मेरे आइडिया से। पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो इस तरीके का 102 कंपनी है,
जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सेल्स किया 555 करोड़ का और एक्सपेंस किया 534 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% और इंटरेस्ट 2 करोड़ का पेड किया और डिप्रिसिएशन 4 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का, टैक्स पेड किया 27% का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट आया 12 करोड़ का और EPS रुपये में 3.56 रुपये। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा बात है, इसमें काफ़ी बेटर है। और प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 2382 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस है 2300 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ का, 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और 2 करोड़ का अदर इनकम है, 11 करोड़ का इंटरेस्ट पेड किया, डिप्रिसिएशन है 15 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 59 करोड़ का और टैक्स वगैरह काटने के बाद में नेट प्रॉफिट आया 43 करोड़ का, जिसकी वजह से EPS 13.49 रुपया। अब जैसा कि बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट शेयर कैपिटल 15 करोड़ का है, ये मार्च 2018 से है, उससे पहले मार्च 2017 में 8 करोड़ का था और इसके पास में रिजर्व मार्च 2023 के अनुसार 492 करोड़ का, जो कि बढ़ते क्रम में है, बहुत अच्छा बात है। और ब्रोइंग मात्र 87 करोड़ का रह गया है अवशेष, एक समय इसके पास 556 करोड़ का ब्रोइंग था, जिस वक्त की रिजर्व 307 करोड़ का और शेयर कैपिटल 15 करोड़ का मार्च 2018 में। और लायबिलिटीज 167 करोड़ का है, तो लायबिलिटीज में थोड़ा सा बढ़ा है मार्च 2020 के कंपैरिजन में। और फिक्स्ड एसेट यानी फिक्स एसेट 233 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ का है मात्र। टोटल एसेट देखते हैं तो 761 करोड़ का है, जो कि पिछले मार्च 2022 के अपेक्षा घटा है, लेकिन ज़्यादा नहीं घटा है। कैश फ्लो तो नेट कैश फ्लो है माइनस में, इस पर भी ध्यान दिया जाता है किसी भी कंपनी के एनालिसिस करने में, तो ये भी मायने रखता है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रमोटर होल्डिंग 67.13% है और FIIs के पास में 0.05% है, यानी कि नाम मात्र का। DIIs के पास में भी उससे भी कम है 0.02% और सेकेंड बड़ा होल्डर पब्लिक है 32.81% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 13,608 लोगों के पास में इसका शेयर है। और इसमें न्यूज तो दो है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर अन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयरली इंडेड सितंबर 30, 2023। ये एक न्यूज है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ था जिसके वजह से एक और आया अपडेट 20 अक्टूबर को, जिसमें कि बोर्ड मीटिंग अपडेट करके है। तो इसमें दिया गया है कि ये पहले मिस्टेक से 28 अगस्त दिया गया था बोर्ड मीटिंग का, लेकिन बोर्ड मीटिंग का डेट 28 अगस्त नहीं है, 28 अक्टूबर को, जो कि आज 24 तारीख है और 4 दिन बचा हुआ है, यानी कि 3 दिन के बाद में इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है। उस दिन रिजल्ट आने की उम्मीद मेरे आइडिया अनुसार 100% है। बाकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेरा भी
कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ बुद्धि विवेकानुसार ही। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड google.com पर मार्केट समरी, तो 199 रुपया पर इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और चार्ट इस प्रकार है कि 205 रुपया 5 पैसा से स्टार्ट हुआ, कुछ समय के बाद में 207 रुपया पर गया 9:20 में, और उसके बाद में फिर से लो लगाया, फिर थोड़ा हाई, और उसके बाद में लो की तरफ ही। एक समय इसका प्राइस 196 रुपया पर आ गया 3:20 पे शाम को, और फिर क्लोजिंग किया, क्लोजिंग दिया 199 रुपये पर। जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 198 रुपया 85 पैसा, ये है BSEIndia.com पे। नीचे चलते हैं, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बोर्ड मीटिंग अपडेट जो कि बता चुका हूँ, कॉरपोरेट एक्शन 7/7/2023 लास्ट है, मतलब कि सबसे बाद का, यानी कि करेंट में जो आया था। फाइनल डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर, और बल्क डीलिंग कुछ भी नहीं है तत्काल के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता चुका हूँ। डिलीवरी पोजीशन अगर देखते हैं 23 अक्टूबर 2023 के हिसाब से 1600 बजे का है, तो क्वांटिटी ट्रेड हुआ 4426, डिलीवरी क्वांटिटी हुआ 3393, डिलीवरी का परसेंटेज रहा 76.66%। बहुत अच्छा है डिलीवरी परसेंटेज इसमें। तो अब जैसा कि NSEIndia.com पे, इस वेबसाइट पे जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस 199 रुपया है, प्रीवियस क्लोजिंग 204 रुपया 75 पैसा, ओपन 205 रुपया 5 पैसा, हाई 207 रुपया और लो 196 रुपया, क्लोजिंग 197 रुपया 80 पैसा। इस तरीके से है इस पर डाटा एज ऑन 23 अक्टूबर 2023 के हिसाब से, आज 24 तारीख है। तो इसमें ट्रेडेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेडेड वैल्यू 40,250 शेयर है, और ट्रेडेड वैल्यू लाख में तो 80.69 लाख में है। थोड़ा नीचे चलते हैं, इसमें भी NSEIndia.com पे भी डिलीवरी पोजीशन जो है 23 अक्टूबर 2023 के हिसाब से, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 40,250 और डिलीवरी में उठाया गया 27,433 और परसेंटेज रहा 68.16%। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, डिलीवरी में माल भर भर करके उठाया जा रहा है। बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सलाह नहीं है किसी भी कंपनी में, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ तो नॉलेज पर्पस। अब इसी पर वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय।